आपको भी रात में नींद नहीं आ रही है और आपके आंखों में कुछ सपने हैं, तो याद रखिए, अ ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। ड्रीम वो नहीं होता फ्रेंड्स जो सोते हुए आपको सपने में आता है, जी हाँ, ड्रीम वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देता है। कई बार फ्रेंड्स ऐसे होता है ना कि हमारे अंदर एक जज्बा होता है, एक ड्रीम होता है, एक हमारा एम्बिशन होता है, एक टारगेट होता है, वो हमें पूरा करना होता है, लेकिन कुछ लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा एक इतना मोटिव नहीं रखते अपनी लाइफ में, मतलब सोचते हैं पूरा हो गया तो ठीक है लेकिन बाद में कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों के अंदर एक आग होती है, एक पोटेंशियल होती है जो उन्हें सोने नहीं देती है, और जब वो उन्हें सोने नहीं देती है तो वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, और APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी यही बोला है कि ड्रीम वो नहीं जो आपको सोते हुए आए, ड्रीम वो है जो आपको सोने ही नहीं दे। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। फ्रेंड्स पहले हमें ड्रीम्स देखने होते हैं, हमें सपना देखना होता है, क्योंकि जब हम सपना एक सोचते हैं ना तो वो सपना कहीं इधर उधर नहीं होता, वो हमारी थॉट के अंदर होता है, और जो चीज़ थॉट के अंदर होती है ना वही एक्शन में ट्रांसफॉर्म हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि कल सुबह उठ के आपको कुछ काम करना है, तो पहले आपने उसे सोचा, उसे आप थॉट में लेकर आए, उसके बाद आपने उसको एक्शन में कन्वर्ट करा। Don't take rest after your first victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर आपको पहली बारी में कोई कामयाबी मिलती है, पहली विक्ट्री होती है, तो उसके बाद आप रेस्ट नहीं लोगे, अब मैं तो जीत गया हूँ, अब मुझे कुछ और आगे करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अगर आपने सेकेंड विक्ट्री को बहुत हल्के में लिया, क्योंकि आप पहले में जीत चुके हो और आप सेकेंड में फेल हो गए, तो लोग यही सोचेंगे कि फर्स्ट विक्ट्री आपके किसी हार्डवर्क की वजह से नहीं थी, इट वॉज जस्ट लक। इफ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम हार गए, हम फेल हो गए, तो अब हमें आगे ट्राई नहीं करना है, लेकिन फ्रेंड्स कई बार हमारी हार में ही जीत होती है, और इस हार का यानी फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी ये कोई लास्ट अटेम्प्ट नहीं था, ये सिर्फ एक फर्स्ट अटेम्प्ट था, आगे हमें बहुत सारे अटेम्प्ट करने हैं, और बहुत अटेम्प्ट करने के बाद ही हमें सक्सेस मिलेगी। It is very easy to defeat someone, but very difficult to win someone. बहुत आसान होता है दोस्तों दूसरों को हरा देना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है दूसरों को जीतना। Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. अगर आपके रास्ते में difficulties आएंगी ही नहीं तो आप अपनी success को समझ ही नहीं पाएंगे friends. अगर आप पहली बार में बिना किसी difficulty के successful हो जाएंगे तो आपको लगेगा successful होना कितना आसान था, मैं भी हो गया। लेकिन जितना परिश्रम आप करोगे, जितनी difficulties को आप face करोगे, उनसे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ सच में success तक पहुँचने के लिए इंसान को कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितना difficult होता है। और जो चीज़ बहुत difficulty से मिलती है ना फ्रेंड्स, वही हमेशा लाइफ टाइम होती है साथ, और उसी की इंपॉर्टेंस हमारी नजरों में रहती है।